Press the bell icon and never miss an update from Bollywood Now. तो चलिए जी भाषाओं की टीम इस समय हमारे साथ मौजूद है अगर आप लोग अपने क्वेश्चंस तैयार रखेगा लेकिन उसके पहले मैं कुछ पूछना चाहूंगा आप लोगों uh, सब से सबसे पहले डायरेक्टर शुरुआत करता हूं सर जी मतलब कमाल है इतने सारे लोगों को एक साथ इकट्ठे करना मतलब कैसे कर लेते हैं आप मतलब देखिए इनको ओपेरा हाउस तक लाने में जो मेरी जान निकली है <laughs> आप पहले उसकी बात कीजिए इनको राजस्थान में हमने करीब करीब पाँच हज़ार किलोमीटर सैर कराई है और आप लोगों को लगता है कि ये छः हैं ये छः नहीं है ये छत्तीस हैं क्योंकि हर एक के साथ चार पांच आ जाते हैं तो बहुत बहुत अच्छा रहा बहुत मुश्किल भी रहा लेकिन वी वर देयर फॉर टू मंथ्स एंड बहुत ही मिलजुल के काम किया अच्छे मौसम में काम किया इट्स डेफिनेटली अ चैलेंज टू ब्रिंग टुगेदर अ स्टार कास्ट ऑफ सो मेनी एक्टर्स एंड गेट देयर टाइम गेट देयर कंसेंट ऑन अ स्क्रिप्ट बट वी वॉल वर्कड ऑन इट एज फ्रेंड्स एंड वेरी हैप्पी जैसे कि बताया इन्होंने कि इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है लेकिन इसमें फीवर 104 सौ रेडियो के और अजय जी के बहुत सारे फैन मौजूद हैं कौन कौन है जरा तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे उन्होंने कहा था कि ये आपकी ऐसी फिल्म होने वाली लोगों ने टीजर देखा प्रोमो देखा और लेटर लिखे बहुत बड़े बड़े लेटर्स हैं मेरे पास में तो उनमें से कुछ क्वेश्चन आए हैं अजय भाई मैं चाहूंगा कि उनके बारे में थोड़ा सा बात करें इसका जो लुक दिया गया है ये वाकई बड़ा यूनिक लुक है इमरजेंसी का वक्त वो जमाना जहां पर सब कुछ बैन हो रहा था तो इसके बारे में बताइए कहाँ से कैसे सोचा गया इस फिल्म के बारे में और क्या बताया गया वन लाइनर आपको आई थिंक ये uh, hello, hello uh, ये सवाल सवाल हेलो हेलो एवरीबॉडी तो डायरेक्टर के लिए होना चाहिए नहीं पर देखिए कंसीव तो आपने किया आपने सोचा कि ये फिल्म करनी चाहिए बहुत बड़ी बात है यह क्या कि कहानियाँ तो बहुत एक्चुअली uh, आपने ही क्यों चुना इसे एक्चुअली ये कहानी मिलन ने मुझे कितने साल हो गए कच्चे धागे के टाइम पे कच्चे धागे के टाइम पे उस उस वक्त एक थॉट था जो कि सही है गलत है मुझे नहीं पता बट एक किस्सा राजस्थान में लोग बात किया करते थे उसके बारे में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था तो ये फिल्म उस किस्से के बारे में नहीं है लेकिन उसके उसके इर्द गिर्द आई थिंक एक कहानी बनाई गई है बट ये दिमाग में मुझे लगता है तब से ही था तो नाइन्टीज़ में था ये दिमाग में इसलिए सेवेंटीज़ के नज़दीक है अच्छा <laughs> इमरान इस इनकी पहली फिल्म जब वस टाइम में भी देखा आपने बहुत ही ग्रे कैरेक्टर किया था और वो कैरेक्टर इसमें कितना डिफरेंस है आई uh, थिंक जो पहला डिस्कशन uh, मिलन और मेरा हुआ था स्क्रिप्ट पे आई थिंक मिलन बहुत क्लियर था uh, कि जो फिल्म हम बना रहे हैं ऑब्वियसली क्योंकि हम तीनों साथ में फिर से आ रहे हैं uh, सात साल के बाद तो एक एक्सपेक्टेशन होगा एंड आई नो एक कंजेक्चर भी था कि यार फिल्म शायद एक वंस स्पॉन्ट ना एम इन मुंबई तरह की एक फिल्म होगी और इसमें अजय और मेरी टक्कर होगी और एक कॉन्फ्लिक्ट होगा बट जब मिलन ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई था वेरी वेरी हैप्पी कि उन्होंने एक तरह से मोल्ड को तोड़ा है इस फिल्म में जिस तरह की कहानी है एक तो एक हाइस्ट फिल्म है ड्रामेटिक uh, है एक्शन है लेकिन इन्होंने एक हाइस्ट फिल्म को एक बहुत ही अनयूजअल स्पिन दिया है एंड आइड लाइक टू गेट रजत ऑल्सो गिव हिम क्रेडिट फॉर दिस Just around any con conception yeah, I think we reality. should call him on stage. Yeah, you should yeah. call him on stage. Rajat. Is Rajat around? A lot of story related questions. Where is he? I think he must be in the audience somewhere. No, oh, he's here. He's here. So to say it in one line, it's very, very different from what people have seen in Once Upon a Time. It's a very JJ. different equation, it's a very different kind of film. बिल्कुल रजत भाई देखिए बहुत डिमांड है भाई आपकी यार चारों तरफ इंडस्ट्री के अंदर भी और स्टेज में भी ये वन लाइनर कब सोचते हो आप मतलब रात को यार कब सोचते हो आप इडली रम और रसम के बाद अच्छा। <laughs> <laughs> भाई मॉनिटर दीजिए प्लीज नहीं पर ये वन लाइनर का सिलसिला जब से शुरू हुआ, हुआ हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो सिर्फ एक ही नाम आता है आपका तो आपका फेवरेट वन लाइनर कौन सा है आपका फेवरेट कि यार आपकी फिल्म का कोई दुआ में याद रखना है? दुआ में याद रखना दुआ में याद रखना क्या मेरा भी वही है आपको भी वही है और राजा सर एक और बताइए एक और एक और कोई से डायलॉग जो आपको बहुत दिल के करीब हो बहुत है, मतलब, वो इश्क़ क्या जो सलामत छोड़ दे, देखा <laughs> <बाच्छाव का। laughs> ना, मतलब आप तो जहाँ टच करती हैं वो फिल्म हिट हो जाती है क्या बात एक बार जोरदार तालीमनी खूबसूरत दिख रहे, हैं जा रहे हैं ना। <laughs> कैसे करती हैं आप मतलब मैं अभी हम और डायरेक्टर साहब आपके बात कर रहे थे फिल्मों का सिलसिला देख रहे थे सभी फिल्में चाहे यहाँ की हो साउथ की फिल्में। तो इस फिल्में क्या लग रहा है आपको ट्रेलर देखा आपने प्रोमो देख लिया फिल्म शूट किया। जी. तो क्या बोलना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में uh, यही की ये मेरा एंड विदाउट अ डाउट सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है इस फिल्म के शूटिंग के दौरान सो इट्स बिन एब्सोलूटली मेमोरेबल एंड वेरी वेरी स्पेशल कि लास्ट फिल्म के प्रमोशन देखे नहीं थे मैंने माँ भी तो ये नहीं बोला था इन्होंने है ना भाई नहीं बोला था हाँ हाँ हा, मेरे पास ऑडियो भी बोला है बोला मेरे पास ऑडियो है नहीं बिल्कुल नहीं <laughs> बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बोला था आई जेन्यूनली मीन इट आई मीन मिलन से पूछ लो लास्ट डे पे तब हमको एहसास हुआ कि इलियाना ने कितनी मेहनत की है अपने कैरेक्टर के लिए और कितना सोचा है कितना वो इमोशनली इन्वॉल्व हुई है हमारे यूनिट के साथ और जैसे कि अजय सर ने कहा कि हो सकता है कि वो हर फिल्म के प्रमोशन पे यही बोलती हो बट आई एम श्योर दिस इज नॉट ट्रू ईशा ईशा भी मैं पर्सनल इंटरव्यू कर रहा था तो आपने बहुत दो तीन चीज़ें ऐसी बड़ी कमाल की बोली इस फिल्म के बारे में तो प्लीज़ ज़रा लोगों तक तो पहुँचाइए वो बात बादशाहों को लेकर फिल्म के बारे में, <coughs> <coughs> में बताइए उसके बाद हम पर्सनल आपसे पूछेंगे बाद में आई मीन ऑनेस्टली मेरे लिए द मोमेंट आई गौर कॉल की मिलन uh, लोथरिया की फिल्म है तभी मैंने आधा अपना दिमाग बना लिया था कि मुझे फिल्म करनी है एंड मिलन uh, सर ने जैसे हर एक को एक दो लाइनें का नरेशन दिया मुझे आई थिंक एक दो सेकेंड का नरेशन दिया एंड आई सोल्ड ऑन इट प्लस फिल्म इतनी बड़ी है फॉर समन लाइक मी आई जस्ट थाट कि एक तो अगर आपने वंस अपॉन अ टाइम देखी है एंड आप इन दोनों कैरेक्टर्स के एंड एक्टर्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं देन ऑन द मोर आप चाहेंगे कि एक ऐसी फिल्म का पार्ट रहे कि वो हिस्ट्री में याद रहे एंड जैसे उन्होंने रजत ने एक डायलॉग बोला दुआ में याद रखना इस फिल्म के ऐसे डायलॉग्स हैं जो लोग याद रखेंगे सो होपफुली जब फिल्म दस साल बाद भी बात होगी तो लोग बोलेंगे हाँ, तो बोल मुलाकात कराने वाला हूँ मेरी जिंदगी में फिट रहने का मकसद आई थिंक इस इंसान से सीखा जा सकता है मेरा बहुत पुराना दोस्त एंड एक फिल्म के दौरान मुलाकात हुई थी वाकई जितना नॉलेज रखता है आदमी शायद ही बहुत कम लोग हमारी फिल्म इंडस्ट्री में इतना नॉलेज रखते हैं हर फील्ड के बारे में तो विद्युत डो के लिए एक बार ताली चाहिए। on, भाई ये लुक लुक के बारे में में ना यार। ऐसा लुक आज की तारीख में, मर्दों में आजकल... बाद मिलन से मिलने गया सो सबसे पहले मुझे जो बात बोली थी विद्युत बाल काटने पड़ेंगे अब तुम्हें एक असल का आर्मी ऑफिसर लगना है सो मैंने सुन ली और बाल

इनके कंपनी में जो भी गाने आते हैं हिट सुपर हिट हो जाते हैं और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो लोग इस बात को मानेंगे कि रश्के कमर के बारे में जितने बात की जाए उतना कम है ये गाना लेना अपने आप में उसके बाद पिया अपने आप में लेना और तकरीबन अस्सी मिलियन होना एटी मिलियन बहुत होते हैं यार ये कैसे कर लेते हैं आप लोग जी इस फिल्म के लिए वर थिंकिंग हमें कोई ऐसा गाना मिले जो पूरी फिल्म की फील के साथ जाए तो बहुत बेटर दैन नुसरत साहब सॉन्ग सो दैट्स वाई ये सॉन्ग काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में था कि वी विल यूज़ इट इन सम फिल्म जब मैंने मिलन सर को बोला कि गाना किस तरीके से फिल्म में आ सकता है क्या सो देन वेन ही इट विद द विजुअल्स तो उनको एकदम एप्ट लगा फिल्म के लिए जैसे इसी फिल्म के लिए अभी तक मतलब रखा हुआ था सो दैट्स द वे दिस सॉन्ग केम इन एंड इट हैज़ बिकम सच अग हिट वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है अरे सर ये नुसरत साहब आपसे जुड़े हुए हैं मतलब कच्चे धागे से लेकर आई थिंक uh, उस दिन मिलन ने भी एक बहुत अच्छी बात की थी जब ये गाना लॉक हुआ तो uh, नुसरत साहब की जो लास्ट एल्बम थी आई थिंक वो कच्चे धागे थी हम दोनों की एल्बम थी और जब ये गाना लॉक हुआ तो मिलन ने बहुत एक अच्छी बात बोली कहा कि uh, नुसरत साहब रहे नहीं लेकिन उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया हम पे पहुँचने का uh, हमें ब्लेस करने का और ये गाना आई थिंक वही है अच्छा आपके यूनिट से एक आदमी ने फोन किया था मुझे जब शूट चल रहा था आप यूनिट से हाँ यूनिट से तो बेचारा परेशान था वो कि आप लोगों ने कुछ खिलाफ पिला दिया था वो बोलेगा हंड्रेड परसेंट अजय सर नहीं पिलाया होगा पिलाया था हाँ गांजा कुछ भांग भांग थे क्या यार हम लोग तो रोज सबको कुछ ना कुछ पिलाते हैं अच्छे लोग हैं गुड होस्ट अच्छा तो क्या हुआ क्या तो बता दीजिए जरा सब लोगों को क्या हो तो बेचारा यूनिट वाला मेरे फोन कर रहा पूरी रात भर मुझसे बात किया उसने अब क्या बात करा तो उसको खुद को नहीं मालूम था तो क्या भांग पिला दी थी क्या हुआ क्या था शिवरात्रि का दिन था और बहुत खतरे वाला दिन होता है जब अजय देवगन आपके आसपास होते हैं मैंने दो चार शिवरात्रियां इनके साथ गुजारी हैं तो मैं सीख गया हूँ कि उस दिन ये जो भी सामने लाए वो आप चख नहीं सकते ओके okay. लेकिन कुछ हमारे यूनिट के ऐसे लोग थे जिनको ये तजुर्बा नहीं था आ, तो एक, एक वक्त के बाद हम एक्शन सीन शूट कर रहे थे जिसमें आपने देखा जीप उड़ रही है वो पहाड़ से तो ऑल ऑफ अ सडन कुछ चेहरे ऐसे बदल गए यूनिट वालों के कुछ ऐसे थे जो कोई इस तरफ जा रहा था तो उस तरफ चला गया खड़ा था तो बैठ गया बोल रहा था बादल आ गए अंधेरा हो गया है जबकि भरा हो था तो वहां से बैकवर्ड जब हमने ट्रैक किया तो पता चल गया कि ये सारा कुछ महाशिवरात्रि का है, बिल्कुल बिल्कुल <laughs> तो शिव जी के भक्त हैं ये सबको पता है तो शिव जी का प्रसाद खिलाते हैं सबको

क्योंकि इसमें एक वन लाइनर मैंने पढ़ा कि वफादारी काफी है इस फिल्म में जैसे दलिया है तो वो भवानी काफी वफादार हैं और एक्चुअली तो देखा जाए तो वफादारी के साथ धोखेबाजी भी काफ़ी कौन किसको किसके साथ वफादार है और किसको धोखा दे रहा है वो आपको फिल्म देखते देखते धीरे धीरे पता चलता है तो सर वही जानना चाहेंगे थोड़ा थोड़ा अगर अपने अपने किरदार के बारे में अभी अभी, अभी आई थिंक जैसे कि कि मैंने कहा मिलन uh, जवाब देंगे बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है क्योंकि इसमें काफी कुछ चीजें हैं जो फिल्म देखते वक्त रिवील होती हैं मेरे ख्याल से आलोक राधर देन गोइंग टू द कैरेक्टर्स क्योंकि ट्रेलर की एक सीमा है जिसके बाहर हम इस वक्त नहीं जाना चाहते जितना हम दिखाना चाहते थे हम ट्रेलर में दिखा चुके हैं लेकिन किसी ने मुझे करीब एक एक महीने पहले पूछा था कि आप अपने कैरेक्टर्स का नाम बता दीजिए तो मैंने सारे एक्टर को फ़ोन किया और कहा कि ये मत करना क्योंकि हर नाम इसमें बहुत सोचने के बाद दिया गया है भवानी एक वफादार किस्म का नाम है तो जैसे शहर सिंह है या गीतांजलि है दलिया है टिकला है संजना है बहुत आ, सोच समझ के बाद हम लोग रजत और मैं इसमें महीने लगा देते हैं कि कैरेक्टर को सुल्तान मिर्जा का नाम दिया जाए या शोएब का नाम दिया जाए तो इट्स वेरी स्पेशल टू अस एंड आई होप दैट पीपल विल अंडरस्टैंड द वाइब क्यों ये नाम रखा हुआ है और जहाँ तक कैरेक्टर्स का सवाल है मेरे ख्याल से अभी तीन हफ्ते और हैं तो कुछ पन्ने हम और धीरे और टाइम के बाद खोलना चाहते हैं सर ट्रेलर की एक और खासियत थी कि डायलॉग्स काफ़ी हैं लेकिन गानों के चंक आपने नहीं रखे हैं तो कोई स्पेशली आपने ऐसा सोचा था क्या नहीं सोचा नहीं था आई थिंक ये ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है जिस जब आप ट्रेलर बनाना शुरू करते हैं तो एक एक किस्म की लैंग्वेज आप पकड़ लेते हैं तो एंड ऑल्सो साइमल्टेनियसली दो गाने हम रिलीज कर चुके हैं काफ़ी सक्सेसफुल हैं बहुत सक्सेसफुल हैं तो वी डेंट वॉन्ट टू मिक्स द टू आई थिंक दिस इज फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड द लिटिल बिट मोर अबाउट द प्लॉट लिटिल बिट मोर अबाउट द कैरेक्टर्स और इंट्री बढ़ाने के लिए तो गाने आने से मेरे ख्याल से जो मतलब मैं पेस ज़्यादा पसंद करता हूँ अपनी फिल्मों में आई डोट लाइक टू स्लो डाउन थिंग्स तो उसको uh, माइंड में रखते हुए हमने इस रिदम पे ये ट्रेलर काटा है सर ये बादशाहों नाम रखना का पीछे कुछ रीजन था क्या कुछ कारण हम एक ऐसे टाइटल की तलाश में थे जो हमारे सारे कैरेक्टर्स को एक पहचान दे तो बादशाह सजेशन था रजत का नॉर्थ में ये बहुत कॉमनली यूज वर्ड है क्या हाल बादशाह तो इट्स फॉर फ्रेंड्स बॉडीज तो ये ये लगा कि लार्जर देन लाइफ फील है और आ, And our translation is badass. So it's a nice, nice flavor, and uh, it, uh, it it gives me a word, one word that covers all the six characters. Um, hi, Ajay sir. Hi, Imran sir. I'm a Purva from Bengal. So you both have worked in Once Upon a Time in Mumbai. So how has the you know chemistry between the two of you changed in this film? Has it matured over time, or what is it? honestly, uh, you should speak about when two actors work together. Uh, you should speak about chemistry between women, not men. <laughs> so, yeah, i know it's odd that you're saying that there's chemistry between me and him. then it would be a different kind of a film. <laughs> okay, the relationship. yeah, but it's we, sh we, we share a great rapport. i think we, are, I, I, we work together and there's never been a complication. we get along well. Uh, we chill out in the evenings together. It's, it's very comfortable working with each other. I and think And I was nice. it working with Ilyana and Isha? How about it? <laughs> yeah, now, you can't ask such such questions. I mean, they're right in front of me. What, am, what, what do you want me to say? I am going to say. I am going to say a juicy exactly answer you'll get if you ask them of their equation. Yeah, that's, that's what you need to ask. What is their equation with each other?

उसके बाद आप भूल जाते हैं क्या हो रहा है देन यू गेट इनटू द रियल बिट ऑफ इट एंड वी वर वेरी रियल इन इट ईशा आपका लुक भी परवीन बाबी से इंस्पायर्ड बताया जा रहा है तो आप उनसे कितना इंस्पायर्ड रही हैं um लुक के लिए आई विल इंस्पिरेशन हमने जो लिया उनसे क्योंकि मिलन सर के दिमाग में था उन्हें कैसे चाहिए कि संजना कैसे दिखे मगर एज अ कैरेक्टर और एक्टिंग आई थिंक इट वॉज ऑल इन मिलन सर्स हैंड एंड रजत उन्होंने डायलॉग्स दिए बहुत अच्छे लिखे हुए और मिलन सर जैसे चाहते थे कि उन्हें एक्ट करो तो वैसे एक्ट किया आई डोंट थिंक हमने कुछ इंस्परेशन ली अपार्ट फ्रॉम द लुक बिकॉज सेवेंटीज़ का लुक था उन्हें वो सॉरी टिपिकल लुक चाहिए था एक मेरे ख्याल से ईशा ने बहुत केयरफुली फॉलो किया मेरा डायरेक्शन uh, परवीन बाबी जीना तमान जो लेजेंड्स रहे हैं लेकिन जो ये एक और चीज़ इन्होंने एम्बाइप की वो हमारी आज तक समझ में नहीं आई है कि ये हर दो घंटे में कौन सी फिल्म एक्ट्रेस सेवेंटीज़ में खाना खाती थी ये हम सब हैरान है नहीं 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 मैं आज मैं पूछना नहीं। चाहता हूँ कि ये इन्होंने कहा से इंस्पिरेशन निकाली क्योंकि हम थक गए इनको खाना खिला खिला के uh, नहीं। नहीं, नहीं, प्रवीण भाभी भी यही करती थी क्योंकि मैं उनका नेबर था बहुत साल तो वो भी हर दो इनके उनके नेबर थे मतलब रिसर्च पक्षी रियल इंस्पिरेशन में तो आप जब देखें ये खाती रहती है एक बोल हाथ में रहता है हर दो घंटे बाद इसे कहते हैं सेट पे अभी हाँ, आपने हेलो बोला तो मैंने कहा सामने तिवारी है यहाँ पे गोल्डन स्टार थाली है आपसे <laughs> आप सवाल है दो गीत तो आ चुके हैं तीसरा तीसरे की भी तलाश होगी यहाँ पे ये प्रोग्राम रखने का कोई खास कारण था वजह था जिसके बारे में आप थोड़ा बता सॉरी इस जगह पे इस लॉन्च को रखने का कोई कारण जी uh, एक रेट्रो फील देने के लिए जिस जमाने की हमारी फिल्म है उसकी एक लुक का उसको एक पहचान देने के लिए रूटीन में तो हम लोग uh, सिनेमाज में करते ही हैं तो एक डिफरेंट फील देने के लिए हमने यहाँ पे प्लान किया और नेक्स्ट गाना हमारा अभी विद इन वन वीक आने वाला है जिस क, uh, कह दो तुम्हें अगेन कीपिंग द सेवेंटीज़ इन माइंड तो हमने वो गाने को चूज़ किया हाँ लोग देखना यार इतना रेट्रो इतना महंगा किया है इतना मेहनत किया है क्या बात कर रहा है यार आप लोग ने भूषण को काफी फोर्स किया था कि वो भी रेट्रो लुक में आए लेकिन पता नहीं ये रेट्रो है ना <स्यालेगा> ए <आए>। रेट्रो <स्यालेगा> <स्यालेगा> <अगड़ी> है ना हेलो मेरा सवाल मिलन सर से सर अभी अजय सर ने कहा था कि 90s <laughs> के दौर में कच्चे धागे के वक्त से इस फिल्म की बातें चल रही थी आपसे जानना चाहूँगा कि इतना वक्त क्यों लगा इस फिल्म को बनाने के लिए एक्चुअली जब पहली बार हमने वहाँ जब हम शूटिंग कर रहे थे तो हमारे एक दोस्त ने हमको बताया कि इमरजेंसी के दौरान काफ़ी छापे पड़े थे रॉयल पैलेसेस पे और काफ़ी कुछ सोना वग़ैरह जब्त हो गया था वहाँ से और वो सब कहाँ गया किसी को आज तक पता नहीं है उसी वक्त हम दोनों को लगा था कि ये कहानी बनानी चाहिए बट फिल्म कहानियों का एक अपना एक अंदाज़ होता है कि वो अपना टाइम लेती हैं कभी कभी फिल्म छः महीने में बन जाती है कभी पंद्रह साल के बाद बनती है आपने सुना होगा कई फिल्म मेकर्स के बारे में कि दस साल पहले कुछ कहानी लिखी थी या उस पर काम किया था तो वेन आई वॉज़ लुकिंग फॉर अ न्यू आइडिया दिस थाट केम बैक टू मी एंड फिर इस वक्त हमने इंटरनेट का फ़ायदा उठाया और उस पर रिसर्च की और ये लगा कि जो मेरा हमेशा एक, एक मेरी हमेशा कोशिश रही है कि जो फिल्म लाइन में फिल्में बन रही हैं एक दौर में उससे हट के फिल्म बनाई जाए तो वो चीज को ये कहानी सपोर्ट कर रही थी कि क्लटर को ब्रेक करके एक ऐसी फिल्म आए एक हाइस्ट फिल्म आए एक अलग किस्म का एक्शन हो अलग किस्म का म्यूजिक हो दैट्स व्हाई वी पिक्ट अप दिस आइडिया एंड वी वर्क्ड ऑन इट फॉर फॉर अ वाइल एंड हियर वी आर हेलो अजय हाय Uh, Ajay sir, uh, Ajay straight Aap here. Uh, considering eek, 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 there are a lot of fans who have gathered here and they are so excited for Uh, also, the fact that you know recently two of the biggest, uh, much-awaited movies of the year, uh, *Tubelight* and *Jab Harry Met Sejal*, haven't fared at the box office that well. Do you ever consider the opinion or say feedback of your fans? I think they are the ones who uh, make the film work. So, uh, of course, we do. And uh, uh, so many times they they turn around and tell us also that you should not be doing this or why did you do this, and. Um, and, and we, we should listen to them because, because they really love you and uh, they, uh, they really know what they want from you. So, so it ha should be considered always. Um, Jane, next uh, question. Ajay sir. So one more question. You have been is reading reports about uh, the CBFC, you know, how stringent the CBFC has been getting. And uh, there are reports that apparently before approaching the CBFC, you guys have deleted some scenes from the movie, sexual scenes. Is it true? no that's not true at all i think uh, this is complete conjecture because as i said somewhere in an interview that i don't think anybody besides my core team is privy to what we and uh, how we edit the film this is just speculation uh, it's a very straightforward film it's not a film that's likely to get into yeah, any We really kind of don't problem. know where the sto story came from we've really not made up on film here <laughs> ajay sir ये सवाल आपसे और इमरान सर से हैं पि पिछली बार जब आप लोग वन सपुना टाइम इन मुंबई में एक साथ आए थे तो केमिस्ट्री बहुत दर्शकों को बहुत अच्छी लगी थी और एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप जब भी एक साथ काम करते हैं तो कुछ नया देखने को ज़रूर मिलता है तो इस बार कुछ ऐसा ख़ास सर और क्या ऐसे कुछ रीजंस जैसे आपकी जो दोनों के ट्यूनिंग है वो इतनी अच्छी बन जाती है कि पर्दे पे वो कमाल दिखती है और, और एक सवाल ज़रूर रहूगा सर

के साथ काफी मशक्कत करनी पड़ी थी क्या इस फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है और मुझे लगता है कि होगा भी नहीं सिमिलर uh, जनर्स की फिल्में बनती रहती हैं मेरे साथ भी हुआ है मैंने जब डर्टी पिक्चर बनाई तो बट दिस इज नॉट अ सिमिलर जनर आई मीन नो नो बिल्कुल इवन या बट दैट इज अ पॉलिटिकल अप्रोच दिस इज एन एक्शन एडवेंचर कमर्शियल फिल्म जिसकी कोई Realism, so no. So I don't think there is any issue. Yeah. Ajay, sir, over here, straight. Uh, you know, this is the first. If I'm not wrong, this is the first time since 2010 wherein you are having two releases in two months. There is Badsha in September and Golmaal in October. So, and both of them are to different genres. How excited are you for this? And do, uh, what do you think about the business aspect? Do you think two releases has an impact on business? If if there are back to back? No, you answered the question. They, they both are completely different genres. So. It does not really matter and they're coming, yeah, within a span of one and a half, two months. But uh, it's good that, you know, both the films are of two different genres. So you see two different, um, I think, kind of films and, ca I mean, what, what I, uh, from me, at least. Uh, yeah, and where the business is concerned, it's not in our hands. It's, it's in the hands of the audiences. I think I think if the film works, everything works. Um, hi. Ajay, Ajay and Imran, you have been... Center. Center. Here. Yeah, yeah. So you 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 have been uh, involved in film since many years now. Uh, does does and acting get better with time? I I think experience does matter. I think experience you, matter. when you keep working, you, you learn every day. It's a process. अगर आपको लगता है कि आप सब सीख चुके हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता आप जिंदगी भर सीखते रहते हैं और हर रोज आप कुछ ना कुछ सीखते हैं अपनी गलतियों से सामने वाले की गलतियों से Uh, सामने वाले के अच्छे काम से सो so, ये प्रोसेस तो जिंदगी भर चलता रहेगा और हर हर रोज आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं so, it makes it um uh, yeah, i was. think for me every film feels like a new film uh for my first film uh i feel as much as i feel i know in the industry as much as i feel i've got a certain amount of uh, learning i'm still very ignorant uh with every film the dynamics are very different every film comes with its own set of hurdles and things you learn from so i think for an actor it's always necessary to feel like be on you know your toes with every film so you know whenever i have a release i'm a bag of nerves and uh, i've learned something from each and every film that i've done hi yeah. imran this is priyanka in the center hi hi I can see you, yeah. Yeah, Imran. Uh, my question is that uh, you know, of late, your Imran. films haven't done well at the box office. So, how important is Badshaho for you, considering the fact that it's so a, it appears to be a comfort zone for you. The uh, s the setup is familiar with Ajay and Milan, and you know, the once upon a time worked for for you. Well, there's a saying: uh, fall down seven times, stand up eight. So, uh, this is my uh, film that. This is a film that I feel I've. Obviously, we all have high hopes with this, like I've had with all my films. You know, the only way you can avoid making a flop is don't make a film at all. It's as simple as that. Um, I've learned in this industry that you gotta keep striving, keep working. If you stop, if you start, you know, thinking and getting insecure, uh, I don't think there's any place for you in this industry. So, as yes, things haven't been very good uh, in the past year and a half too, but that has not dented my spirit at all. Uh, i'm still very excited. i think this is the best time in my career. Uh, the, the films that i have lined up, these are the kind of films and subjects that i've always wanted to so, yeah, i think it's a very, and also for this industry, people say it's a very grim time because films are not doing very well. but i think it's, it's a very, very positive time because it's a time for um, contemplation, introspection, and uh, just understanding that, you know, we have to do something differently to make things work. Like uh, in my question. I also have a question for you. Yeah. yeah. So, how much uh, was there any pressure on you to not uh, make uh, audience feel that this is the same kind of film that we are watching when we watch Once Upon a Time? Because you have both the actors in rustic avatars. I don't think I've made the same genre twice. I mean, I've, I've ricocheted from a gangster film to a film about an actress. Before that was a film set in 24 hours in Mumbai. There was a film about prisoners of war. So I, myself, don't like repeating myself. So the actors may be the same, but the genre, the characters, the whole pitching is so different. Everything changes. Uh, hi. Uh, Imran. Uh, hi. Imran, slightly towards your right here. Yes, Aji, aji. Okay. Here. Can you see me, Imran? Uh, Imran, on a lighter note, uh, you are the one who has the serial kisser tag.

उस दौर की क्या चीज़ें पॉलिटिकल अगर बात करें तो इमरजेंसी किस रूप से इस फिल्म से जुड़ी रहेगी एंड अजय से मेरा सवाल है कि जो अभी सेंसर बोर्ड का जो रवैया है लगातार फिल्मों को कट्स को लगातार कट्स देने का और अपन, उस पर आपका क्या कहना है uh, I really don't know because, uh, 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 जो फिल्में एज ए प्रोड्यूसर और uh, हमने बनाई और मैंने सेंसर करवाई हैं मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं आई तो आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है बट आई डों प्रॉब्लम आई थिंक आई थिंक अगर आप उनसे रैशनलाइज uh, करें तो आई थिंक सब सब कुछ समझा जाता है uh, ये मेरा एक्सपीरियंस है हाँ, एक okay. oh, जवाब ये है कि हमने एक ड्रामेटिक मोमेंट चुना है हमारी कंट्री का जिसमें से हमको कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रुकावटें हैं कुछ एक माहौल है जिसमें ड्रामा अच्छी तरह से बैठता है लेकिन एज यू कैन ऑब्वियसली सी फ्रॉम द ट्रेलर हमारी फिल्म लार्जर देन लाइफ है एक्शन ड्रामा है हाइस्ट ड्रामा है सो वी आर नॉट वेरी क्लोज टू द पोलिटिकल रेमिफिकेशन ऑफ दैट इरा वीव जस्ट टेकन इट एज अ बैकड्रॉप एंड वी है स्टोरी लास्ट क्वेश्चन अच्छा सर आ, लास्ट ईयर आज ही के दिन शिवाय का ट्रेलर लॉन्च हुआ था और आ, क्या ही कोई कोइंसिडेंस है या फिर कुछ मुझे नहीं बिल्कुल नहीं पता आप, आप इंदौर में हम जी जी, कंपेयर <laughs> इंदौर में हम लोगों ने किया था याद है आपको भाई मीडिया वाले जो कहते हैं सब सही कहते हैं आप लोग है ना चलिए थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया